नौलथा गांव के सरपंच पर पंचों ने ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। दरअसल इसराना बीडीपीओ कार्यालय में सरपंच के खिलाफ शिकायत देने और सरपंच द्वारा पंचों के खिलाफ दी गई शिकायत का जवाब देने पहुंचे नौलथा ग्राम पंचायत के पंचों का कहना है कि सरपंच बलराज ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में गड़बड़ी और गबन कर रहा था, जिसे उजागर करने पर सरपंच पंचों के खिलाफ झूठी शिकायतें दिलवाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और शिकायतें वापस लेने का दबाव भी बना रहा है। इतना ही नहीं, पंचों का कहना है कि शिकायतें वापस नहीं ली तो सरपंच पंचों को सस्पेंड करवाने की धमकी भी दे रहा है। 10 पंचों ने सरपंच की एप्लीकेशन ली थी, लगाई थी, जो कि उसने पिछले 3 साल के कार्य हुए उसके पैसे निकाल लिए थे। तो उनने हमारी झूठी शिकायत लगाई है, अगर या तो तुम्हारे सस्पेंड कर दें, कार्रवाई मारी आनी है, हमारे पास आनी, कार्रवाई हमने करनी है, नहीं तो ये एप्लीकेशन उठा लो। ये आरोप लगाए जा रहे, हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा, प्रेशर दिया जा रहा है पंचों के खिलाफ। आपको बता दें कि पंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत नौलथा में धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। पंचों का आरोप है कि गांव में जितनी भी महिला पंच बनी है, कोई भी मीटिंग में नहीं आती है और न ही किसी एजेंडे पर उनके साइन होते हैं। उनके पति ही सरपंच से मिलीभगत कर सभी विकास कार्यों के एजेंडों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। पंच पवन ने अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। पंचों ने जाकर बोल लिया, भाई ये गली मशीन जेसीबी के द्वारा क्यों पाड़ी जा रही है, ये नुकसान होने लग रहा है, टूटने लग रही है, तो बोल तो उसके ब्लैकमेल करने के लिए इन हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दी है, तो हमें अपनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई की मतलब जांच साफ साफ करी है। और उसके भाई की पत्नी पंचायत मेंबर है और उस पत्नी की जगह खुद उसका पति हस्ताक्षर कर रहा है। वहीं गांव के ही आरटीआई एक्टिविस्ट विकास शर्मा ने सरपंच पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। विकास शर्मा ने सरपंच पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे करवाने और अवैध निर्माण करवाने का भी आरोप लगाया। शिकायतकर्ता एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तहत आवाजें उठाते हैं गाँव में कि भाई जो पिछले 7-8 साल से गाँव में गबन हुआ है, उसको लेके हमने भिन्न भिन्न कार्यालयों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास शिकायतें दर्ज कराई थी। अब क्या हुआ कि वो सारी शिकायतें आके इकट्ठी हो जाती है खंड कार्यालय इसराना के पास। हम 50 बार आ चुके हैं, बीडीओ साहब से मिल चुके हैं, जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे मिल चुके हैं कि हमारी जांच कहाँ तक बढ़ी है, पर जो रिजल्ट है वो शून्य है। कोई जांच नहीं हुई, उल्टा अब हमें ब्लैकमेल करने के चक्कर में हमारी झूठी शिकायतें ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा व उनके जो कारिंदे हैं उनके द्वारा झूठी शिकायतें हमारे खिलाफ ब्लॉक कार्यालय में दी जा रही है। बहरहाल पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके, क्योंकि मामला जनहित का है। पूरे मामले में दोनों तरफ से अधिकारियों को शिकायत दी गई है और अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।